आज जो विषय आपके समक्ष लेकर आया हूँ, बहुत लोगों को यह विषय देखकर दुख होगा। आग्रह करूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा हार्डकोर फैन है ना लालू जी के, इस वीडियो को मत देखो। पिछले चुनाव में जब तेज प्रताप की बगावत हुई थी तो उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया था। इस बार भी वो पार्टी से नहीं निकले हैं। जिस तरीके की बगावत वो कर रहे हैं, उनकी जगह पे कोई और नेता होता तो क्या होता। कांग्रेस हमेशा लालू यादव के लिए एक अंतिम रिजॉर्ट हो सकती है, चाहे कांग्रेस की वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, लेकिन आज भी इस पूरे देश में सबसे बड़ा विपक्ष की पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही। अगर भाजपा को किसी से डर आज भी लगेगा तो वो कांग्रेस ही है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को खड़ा रखना, कांग्रेस के साथ खड़ा रहना, ये लालू यादव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को प्रत्याशी उतार दिया गया बिना बताए, ये बात ना गंवा रहा है गुरुजी कांग्रेस को, और इसी वजह से विवाद बढ़ा है। जो कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी, वो तारापुर में भी काम बिगाड़ने के लिए दावा ठोक रही है। आज राजेश राठौर और प्रेमचंद मिश्रा ने जो बातें कही हैं, उन्हें सुनिएगा तो पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। लालू यादव कांग्रेस के सामने झुकने की स्थिति में आ गया है। कांग्रेस अपना रुख नहीं बदल रही है। अब जो ताजा खबर यह है कि तेज प्रताप यादव कांग्रेस के लिए कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव बहुत समस्याएं क्रिएट करने जा रहे हैं, और तेज प्रताप यादव के साथ ही आप जोड़ लीजिए इसी में पप्पू यादव, यानी तेज प्रताप यादव जिन्हें लालू यादव ने जन्म दिया, लालू यादव ने जिन्हें इस दुनिया में लाया, वो उनके लिए ही सबसे बड़े समस्या का कारण बन गए हैं। वही तेज प्रताप यादव के अलावा पप्पू यादव ऐसे हैं जिनको राजनीति में कहा था कि लालू यादव ने लाया। तो कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर कांग्रेस का जो प्रेम है वो नेचुरल तो नहीं है, लेकिन परिस्थितिजनक ही प्रेम बहुत प्रगाढ़ है। कांग्रेस के कई नेता खुलेआम कह चुके हैं कि राजद को छोड़कर नीतीश के साथ हमें चले जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो कांग्रेस से डरने का लालू यादव के पास कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री कराई और कन्हैया कुमार के आते ही जो तेवर कांग्रेस ने बदला है, ये डरावना है।